I love you. मैं हूँ पूजा बैनर्जी, यानी आप सबकी निवेदिता बासु फ्रॉम कसौटी जिंदगी की। भाई रियल लाइफ में मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति का नाम है संदीप और हम दोनों बेहद ही रोमांटिक कपल है। चाहे आज के गाने हो या हो 90s के गाने, हम दोनों रोमांस लड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। हम लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं और हाँ फ्रेंड्स की तरह भी रहते हैं। और आज सास बहू और बेटिया के साथ हम दोनों एक अनोखे ही स्टाइल में वैलेंटाइंस डे मनाने वाले हैं। मुंबई के वॉटेक्स पब में, जहां हम दोनों अपने प्यार की खबर अखबार में छपवा ही देंगे। खाने पर होगी एक खास डेट, हम दोनों खेलेंगे प्रेम का गेम और खो जाएंगे एक दूसरे की आंखों में, यानी एक रोमांटिक सा डे आउट विद सास बहू और बेटिया। वैलेंटाइंस के प्यार भरे हफ्ते में आज हमारी खास मेहमान है पूजा बैनर्जी और संदीप। भाई पूजा को आपने कई सीरियल्स में देखा है, लेकिन आजकल कसौटी जिंदगी में वो है निवेदिता बासु। लेकिन रियल लाइफ में उनकी और उनके पति की केमिस्ट्री कैसी है, दोनों कैसा डांस करते हैं, कैसे शादीशुदा होने के बाद भी दोनों कॉलेज फ्रेंड्स की तरह साथ रहते हैं, कैसी है दोनों की लव स्टोरी, दोनों एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं, दोनों को क्या खाना पसंद है, भाई ये सब जानने के लिए पूजा और संदीप के साथ हम पहुंच गए मुंबई के वॉटेक्स क्लब में, जहां पर मियां बीवी कर रहे हैं हमारा इंतजार। ना ये सास है, ना ये बहू है और ना ही ये बेटी है, ये है मेरे पति परमेश्वर। और आपने इन्हें थिंक शादी के बाद अभी देखा होगा ये मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े सेलिब्रिटी है, इसलिए बहुत लिटरली ईद के जान के बाद अगर कोई नेक्स्ट लेवल होगा ना, जो बहुत मुश्किल से कॉमेट टाइप, दैट इज़ संदीप सेजवाल, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। वो टाइम ही नहीं मिलता, अभी तक मैं बैंगलोर में रहता था, ये बॉम्बे में रहती थी, तो हम लोगों का वैलेंटाइन डे सिर्फ फ़ोन पर रहता था। तो अभी लिटरली शादी के बाद दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग आउट, दिस इज़ लिटरली द फर्स्ट टाइम संदीप एंड आई आर गोना सेलिब्रेट वैलेंटाइंस डे का डिनर। एंड वो जगह कौन सी है, कैसी है, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेट्स गो। तो पहली बार अपनी शादी के बाद पूजा बैनर्जी अपने पति संदीप को मिला रही हैं हमारे दर्शकों के साथ। आ गए हैं सास बहू और बेटियों के साथ वॉटेक्स में, जहाँ पर हम करेंगे वैलेंटाइंस डे का डिनर। वैलेंटाइंस डे का डिनर, वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, ऑलरेडी क्या बात, क्या बात, सीरियसली आज तो ऑल थ्री मील्स एकदम साथ में तो संदीप जी आप बताएं कैसी लग रही है आपको अपनी एक्ट्रेस बीवी, क्या कुछ बदल गया है शादी के बाद? कसौटी के मेकअप में आई हूँ प्लीज जो संदीप को, एक्चुअली संदीप बिल्कुल नहीं पसंद करता जब मैं मेकअप लगाती हूँ, तो वो पता नहीं आज कैसे मुझे टॉलरेट कर रहा है। नहीं यार, मेकअप लगाती है ना, मेरे कपड़े खराब करती है, आई डोंट लाइक दैट। वो भी व्हाइट पहन के आए हो, ड्राई क्लीन मुझे ही करने पड़ेंगे। ओके भाई, दोनों मुंबई बांद्रा के वॉटेक्स पब में आए तो थोड़ा डांस तो करना ही पड़ेगा, भाई क्लब है, क्लब म्यूजिक बजेगा तो दोनों डांस करेंगे। सबसे पहले एक रोमांटिक गाना हो जाए।
अब बारी है जरा आज के गाने को सुनने की। तो भाई पोस्टर छपा दो अखबार में, इस गाने पर तो डांस बनता ही है। वैसे संदीप और पूजा आज भी बड़ी रोमांटिक हैं और आंखों की गुस्ताखियों का गाना बजते ही देखिए दोनों कैसे हो गए संजीदा। प्लीज यार क्या कर रहे हो यार, क्यों करा रहे हो? नहीं मुझे पिज्जा खाने दो। वैसे पूजा बैनर्जी और संदीप सेजवाल यानी मियां बीवी आज दोनों कलर कोऑर्डिनेटेड हैं, दोनों व्हाइट में हैं। क्या बात है, मैचिंग मैचिंग कपड़े। He is coming from a swimming pool and I am coming from the set and still we are color coordinated and honestly matlab I swear hum dono decide bhi nahi kiya ki hum dono white pehen ke aayenge. Hum logo ka ho jata hai kabhi kabhi na aise special occasions pe galti se match ho jata hai and I feel so proud. Jaise galti se shaadi ho gayi, ab kuch nahi kar sakte, galti ho gayi to ho gayi. Bhai dance bahut ho gaya, ab thodi pet puja kar le to zara pizza khaya jaye. Joey, so please have half and leave half for me and this you can eat. पूजा और संदीप की शादी को अरसा हो गया है, दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और हाल ही में संदीप मुंबई शिफ्ट हुए हैं और दोनों ही बॉलीवुड फिल्मों के दीवाने हैं। तो चलिए एक गेम खेलते हैं जहां पर डम शराज की तरह दोनों को फिल्मों के नाम गैस करते हैं। हम लोग खेलेंगे अभी डम शराज, लेट्स सी हु इज डम। चार वर्ड्स हैं। दूसरा वर्ड, पहला वर्ड बोलना, दूसरा वर्ड दिल, हार्ट, प्यार, प्यार, दूसरा वर्ड इज प्यार, तीसरा वर्ड इज प्यार, ओके। हाँ पहला वर्ड बोलना, आई, मैंने, तुमने, बाय, नहीं, नहीं, नहीं प्यार, नहीं, नहीं, सेकंड वर्ड इज नहीं, मना, ना, ना, ना प्यार, ना प्यार, बोलना, लैंग्वेज, भाषा, कहो ना प्यार है, ए राम। I know, I thought without stepping. हाँ तो यू एक स्टेप करके बताना। अच्छी तरह से समझाना ना। I figured that you are bad. तो at least इससे पता पड़ जाएगा कि डमशराज खेलना संदीप सेजवाल के साथ हानिकारक हो सकता है। तीन वर्ड्स का है। पहला वर्ड मैं, हाँ मैं प्रेम की दीवानी। तीसरा वर्ड नहीं, ना, मैं हूँ ना। नो आई एम गुड विद डम शराज, आई एम गुड ऑफ गुड, आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, सिंस स्कूल डेज आई हैव बीन एक्सट्रीमली गुड विद डम शराज, नोबडी कैन डिफेंड। मिस्टर इंडिया, चुई मुई, चार पांच वर्ड्स हैं, ओके। पहला वर्ड मैं, दूसरा वर्ड प्यार, मैं प्यार की दीवानी हूँ, मैं प्यार की दीवानी हूँ, हैं, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, सी आई एम गुड एट इट नॉट यू। छोटा, कम, छोटा का और थोड़ा, चार वर्ड का है, दोनों सेम है, ये थोड़ा थोड़ा, कम कम नहीं, थोड़ा थोड़ी, थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत का ऑपोजिट, कम, बहुत, थोड़ा, कम, मैं हूँ ना का वो अच्छा शाहरुख खान है उसमें, हाँ रब ने बता नहीं जोड़ी। हाँ दोनों सेम सेम है, हाँ अरे वो मैं याद कर रही हूँ ना, दुल्हन हम ले जाएंगे, दिल वाले दुनिया ले जाएंगे, पता नहीं क्या है, कुछ कुछ सेम वर्ड्स, थोड़ा कम कुछ, कुछ होता है, दो ही वर्ड्स हैं, इजी, शाहरुख खान की मूवी है, दिल प्यार, दिल, दिल दीवाना, दिल ले गई, दिल, दिल दिया, बहुत पुरानी मूवी है,
दिल दिल दो वर्ड है ना, पहला वाला दिल है, सेकंड वाला मैं, मेरी मूवी कौन सी थी, कुछ कुछ होता है। मैं कौन हूँ, किसका, तेरा पति, दिल दिया तूने मुझको, दिल दिया दो वर्ड है, अरे पुरानी दिल दिल सेकंड वर्ड छोटा ही वर्ड है, दिल 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 दिया, दिल ले गए, दिल दिया, पुरानी मूवी शाहरुख खान, दिल दिया, तुम्हें मूवीज नहीं पता, दिल से दिल से ऐसे कौन रहेगी, तो दिल दिया दो वर्ड, गलिया रस्ते गलिया गल निया गली गली बॉय। मैं कितने वर्ड हैं पहले ये बता, तीन वर्ड हैं, पहला वर्ड मैं, मैंने दिल, मैंने प्यार किया, यस सिम्बा वुड हैव बीन बेटर, सी आई एम गुड, यू आर नॉट सो गुड। अब जरा कुछ प्यार भरी और रोमांटिक बातें करते हैं और जानते हैं पूजा और संदीप की लव स्टोरी। 2 साल होने वाले हैं और अब मैं जाके पूजा के साथ रहना चालू किया है मैंने, और वो भी 2-3 महीने से, अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है। लोगों के हस्बैंड मर्चेंट नेवी भी में होते हैं ना, वैसे ही कुछ हाल था। या फिर आर्मी में होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड, बट या बट वी स्टार्टेड स्टेइंग टुगेदर एंड दैट्स इट। इतनी बार लोगों ने पूछा कि किसने प्रपोज किया किसने नहीं, हम दोनों का ना एक्चुअली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था, हम लोगों का बाई डिफ़ॉल्ट ही हो गया था, मतलब जब पहली बार मिले फिर उसके बाद हम लोगों ने बातें शुरू की, और बातें शुरू करने के बाद हम लोग बातें करते गए और आज हम लोग इधर हैं। तो कोई प्रपोजल नहीं था किसी की तरफ से, इट वॉज आई रिमेम्बर यू टेलिंग मी, तुझे तो पता ही है ना कि तू मुझसे प्यार करती है और मैं तुझसे प्यार करता हूँ, कुछ अनोखे अंदाज में मनाता है। तो हमने पूजा संदीप को एक टास्क दिया कि 30 सेकंड में इस चिट पर कौन एक दूसरे का नाम सबसे तेजी से लिखता है। एक टिश्यू पेपर पे पूजा को मेरे नाम लिखने हैं और मुझे पूजा के नाम लिखने हैं, और एक ना 30 सेकंड्स में कौन ज़्यादा नाम लिख के अपने टिश्यूज फोल्ड करके सिक्योर करेगा वो जीतेगा। ओके टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्पोर्ट्स पर्सन पहले स्ट्रेचिंग करेगा फिर, हाँ ठीक है ओके स्टार्टिंग स्टार्ट्स नाउ। Oh. He started writing his own name. फोल भी करना है ना? मैं पहले नाम लिखूंगा नहीं ऐसे नहीं चीटिंग नहीं चीटिंग नहीं मैं डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ मैं तो बस लेफ्ट हैंड हटा रही हूँ और एक ही चार दिया पोजो मेरा नाम पोजो है पनीर टिक्का नहीं पनीर सॉरी पनीर टिक्का विनर ऑफ द गेम इज पूजा नॉट विनर ऑफ द गेम इज पनीर टिक्का। तो देखिए आपने पूजा और संदीप की लव स्टोरी और बेटिया, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है वॉटेक्स, और साथ में आई लव द फूड, मतलब लिटरली हम लोग आते बराबर हम टूट पड़े थे खाने के ऊपर, और आप लोग थे साथ में लेकिन हमारा फुल ध्यान था कि खाना कब आएगा, अब नेक्स्ट ऑर्डर क्या आ रहा है। सो इट वॉज अ वेरी लवली इवनिंग दैट वी बोथ हैड एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस एंड हैव अ अमेजिंग 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 वैलेंटाइंस डे। ओके हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू गाइस बाय सी या। भाई स्विमिंग के पूल ने दोनों की जोड़ी बनाई, आज 2 साल होने के बाद भी इनका रोमांस जमा है, दोनों मुंबई में अपनी लाइफ शुरू कर रहे हैं। Now the best part is I don't have to propose her anymore because I know she's not going anywhere. कदर ही नहीं है। करो चाहे मत करो, सुबह उठूंगा तो she'll be there. So तो मुझे शादी करना लोगों। नहीं, but she knows that how much I love her and I don't really have to say it out loud. So
आई लव यू। तो पूजा और संदीप को उनकी नई जिंदगी के लिए ऑल द बेस्ट और उम्मीद करते हैं कि वैलेंटाइन की खुशियां उनकी लाइफ में हमेशा बनी रहे। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। मुंबई से श्रुति बच्चा के साथ आज तक भी रहो।